YouTube family, welcome है आपका Bestie Process में। Yo guys, welcome है आपका Bestie Process में। और तुम लोग बहुत ज्यादा इस पर बोल रहे थे कि जल्दी से रिएक्ट करो, बर्निंग कबड्डी का न्यू ट्रेलर आ चुका है। और जब मैंने ये सुना था तो मेरे से रुका नहीं गया, तो मैं गया और मैंने वो ट्रेलर देख लिया। हाँ बट गाइज, अब कोई ना, बट हम उस पर रिएक्ट करने वाले हैं। बट मेरी सिस्टर ने नहीं देखा वो ट्रेलर, वो मेरे साथ ही थी उस समय जब उसने बर्निंग कबड्डी के पीवी पे रिएक्ट किया था हम लोगों ने। बट हम ट्रेलर अब साथ में रिएक्ट कर पाएंगे उस पर और देखेंगे, बिकॉज सही में किसी की कोई भी, लिटरली कोई भी कंट्री ले लो, किसी के अंदर इतनी हाइप नहीं है जितनी इंडिया के अंदर हाइप है इस चीज की कि कबड्डी का एनीमे आ रहा है इंडिया में, साकुनेत्सु कबड्डी। तो ये बहुत बड़ी चीज होने वाली है। और तुम्हें एनीमे की खासियत पता है, वो हर चीज को डीप से, मतलब बिल्कुल नीचे से निचोड़ के लेती है हर चीज को। तो हमें इसमें बहुत सारी चीजें पता चलने वाली हैं कि कबड्डी का जन्म कहाँ से हुआ था, कैसे हुआ था, और इसमें इंडिया का नाम पक्का आएगा, देखना तुम लोग। और जब इंडिया का एनीमे में नाम आएगा, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। इट वॉज द प्राउड मूवमेंट फॉर अस, सच में हमारे लिए प्राउड मूवमेंट होने वाली है जब इंडिया का नाम आएगा। सो गाइस, ये जो हमें रिएक्ट करने के लिए बोला गया था, बहुत सारे लोगों ने बोला था प्लीज रिएक्ट ऑन द बर्निंग कबड्डी न्यू ट्रेलर। तो हम नाम बता देते हैं, पहला है हर्षित दास, ब्रो प्लीज रिएक्ट ऑन द लेटेस्ट ट्रेलर ऑफ बर्निंग कबड्डी। सेकंड भी वही है, सेकंड भी फिर से हर्षित दास ही है। एंड एक हिकारी ने भी बोला था कि ऑल्सो क्या आप बर्निंग कबड्डी की न्यू पीवी पर रिएक्ट कर सकते हो। ट्रेलर मतलब वही न्यू ट्रेलर पीवी आ चुकी है, लेट्स बिगिन इट।素手で行うチームスポーツカバディ、その起源は終了、武器を持たない人間の獣を捕らえる技術が成熟したものと言われている。つまるところカバディは生物の根源、本能が現れるスポーツ。スポーツ嫌いの俺が仕方なく入部することになったのはカバディ。よくネタにされているカバディと連呼して走るアホ臭いスポーツだろ。मेन करेक्टर ये लग रहा है ना हमें, लेकिन कबड्डी कबड्डी इमा सवारले तनो का एम आई बीइंग टच नाउ ओमाए ओ तोमेरारे तारा ओरे वा त्सुयोई तो इएरु का माचिगाई नाकु नांदे साक्का यामेता नो ओमाए वा फुतो दारो कुरा हितो तो त्सुनागारी वा नेट्टो कुराई नो करुसा चोदो ई इन दा। कुछ तो अमेजिंग होने वाला, अगर एनीमे में कबड्डी मिक्स है तो कुछ अमेजिंग होने वाला है, इतना मुझे लग रहा है। पर वो क्या, ओह माय गॉड, मैंने क्या गाइस, कुछ अमेजिंग कबड्डी में ऐसा नहीं होता कभी भी, जो हम खेलते नॉर्मल। इनके पावर्स हैं, बोला कुछ फायर, फायर बर्ड पावर दूंगी। मैंने कहा ना अगर एने में कितना मजे आएंगे कबड्डी को पावर देखने में। नोकिन, तो ये होगा टीम का नाम नोकिन, ये नोकिन टीम का लीडर है शायद से। हाँ, बर्निंग कबड्डी। ओके गाइस, ये जो है ना बहुत ही सही था ट्रेलर, लिटरली गूज़बम्स आ गए, मतलब मजे आ गए भाई। कबड्डी में एक मतलब भाई कैसे होने वाला है, होने वाला है कि एनीमे में कबड्डी में पावर पावर दूंगी इनके पास, तो कितना मजे आएंगे देखने में। और दूसरी चीज ये, 2 अप्रैल को आने वाला है प्रीमियर इसका, आई थिंक सो 2 अप्रैल को रिलीज हो रही है ये, और मजे आएंगे। मैं तो इसका पहला एपिसोड का वेट कर रहा हूँ जल्दी से। मैदान में कबड्डी बहुत देखी है, अब एनीमे में देखते हैं। अब एनीमे में कबड्डी देखनी है, बहुत खेली भी कबड्डी भाई, मेरे बचपन में बहुत खेली है। पैर पकड़ के खींचा करते थे और हाथ पकड़ के खींचा करते थे, कितनी भयंकर चोटें लगती थी कबड्डी में भाई, ऐसे पैर उठा लेते थे तो मुंह टूटता था लिटरली, याद है क्या गिरते थे कमर के बल, है ना, पूरा शरीर में झटका आ जाता था। तो वो देखने में मजे आएंगे, बहुत नॉस्टैल्जिक फील होने वाला है कबड्डी में। मतलब पावर है लोग पास, तो ये कैसे कैसे पावर यूज करेंगे, कैसे कैसे कबड्डी खेलेंगे, ये जाने के लिए बहुत ज्यादा सही में
बहुत ज्यादा, मतलब कितना नॉस्टैल्जिक फील होगा कि मतलब भाई कबड्डी हम भी खेला करते थे एक समय में, और इतने बड़े बड़े लोग कबड्डी खेल रहे हैं। और पक्का मैं बता रहा हूँ, वो वाला जो होती है ना कि इस एनीमे को देखने के बाद इंडिया में बहुत सारे लोग उस चीज को ट्राई भी करने लग जाएंगे। जैसे बेबलेड का वो आया था, तो बेबलेड बहुत लोग दुकान से बेबलेड खरीदने लग गए थे, बहुत बेबलेड चलाया करते थे एनीमे को देख देख के। तो ऐसे कबड्डी का सीन भी होने वाला है मेरे को लग रहा है, और ये एनीमे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस करेगा इंडिया को। सही में नहीं हो रहा, पता नहीं यार कब आएगा, सही में वेट नहीं हो रहा। हम खुद बेबलेड खींचा करते थे बहुत ज्यादा। सो ओके गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो, ठीक है, एंड मिलते हैं तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए एंजॉय।